Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you drawing and making rakhi. आज मैं बच्चों आपको ड्राइंग में राखी बनाना सिखाऊंगी. रक्षाबंधन आ रहा है, आपको मालूम है कमिंग संडे में कौन सा फेस्टिवल है? रक्षाबंधन. और उस दिन हम क्या करते हैं? अपने भाइयों को राखी बांधते हैं. तो आज मैं आपको राखी ड्रॉ करना सिखाऊंगी. तो चलिए हम राखी बनाना शुरू करें. देखिए, पहले आपको ये ड्राइंग शीट लेनी है. ये मैंने इसके देखो ये बॉर्डर बनाया हुआ है. इस तरह चारों तरफ आपको ये बॉर्डर बनाना है. इसके बाद हम राखी बनाने के लिए बच्चों पहले एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे. सर्कल बनाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बॉटल का ढक्कन होता है कैप, वो ले सकते हैं. आप मम्मा की बैंगल या जो कड़े होते हैं वो एक कड़ा ले सकते हैं. कुछ भी नहीं है तो छोटी कटोरी ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं, जिससे कि हम सर्कल इजीली बना सकें. तो सबसे इजी आप कैसे बनाओगे? बैंगल से या कड़े से. देखिए, जैसे ये मेरे पास भी एक ही कड़ा है, मैं इसे यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँगी. तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा. इसको हम यहाँ पर ऐसे बीच में रखेंगे. अब इसके अंदर से हम पेंसिल से सर्कल बनाएंगे. देखिए, बनाना शुरू करते हैं. ये मेरी पेंसिल है, इसके अंदर से आपको बिल्कुल टच करते हुए आपको इस तरह से बस पेंसिल घुमानी है. अब आप इसे हटा लीजिए. देखो, एकदम हमारा सर्कल बन गया. अब इसमें हमें क्या करना है? अब इसके अंदर हमें राखी की डिज़ाइन बनानी है, जो भी आपको पसंद हो. तो आपको जो भी डिज़ाइन आती है आप वो बना सकते हैं. देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी आपको राखी बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप अपने आप बना सकते हैं. देखिए, अब इसके बीच में हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा ऐसे हम सर्कल बनाएंगे. अब यहाँ पर आप देखिए, ऐसे आप लाइन बना दीजिए इसके सामने, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, फिर एक इनके आप बीच बीच में एक एक बना दीजिए इस तरह से. देखो, ये आप बहुत आसानी से बना लोगे. ऐसे ये बनाया हमने, जैसे सन बनाते हैं हम. आप इनको ऐसे गोल करके ऐसे मिला दीजिए. देखिए, इस तरह से हमने मिला दिया इनको. तो छोटा सा क्या बन गया? ये फ्लावर. अब हम क्या करेंगे? आप ये जो हमारा सर्कल है, इसके बाहर की तरफ छोटे छोटे हम सर्कल बनाएंगे. देखिए, जैसे यहाँ पर है, इस तरह से छोटे छोटे सर्कल बना दो, थोड़ा इस लाइन से थोड़ा दूर, थोड़ा थोड़ा दूर दूर बनाएंगे छोटे छोटे सेम साइज़ के. क्योंकि आप सर्कल तो आप आराम से बना सकते हो. देखो, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो आप खुद बना सकते हैं, आपको बड़ों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी. क्योंकि आप सर्कल भी आपको बनाना आता है. तो आप इस तरह से हम ये देखो, इसके चारों तरफ छोटे 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 हमने सर्कल बना दिए. अब हम देखो, आपको प्लस बनाना तो आता है. अब हम यहाँ पे फोर प्लस बनाएंगे. एक हम यहाँ पर ऊपर प्लस बनाओ, आप ऐसे करके छोटा सा. इसी तरह से नीचे प्लस बनाओ आप. एक यहाँ पर प्लस बनाओ और एक इसके सामने यहाँ पर. तो ये हमने इस तरह से बना दिए फोर प्लस, एक ऊपर एक नीचे. फिर एक हम यहाँ पे राइट में और एक लेफ्ट में. अब इस जो हमने प्लस बनाए, इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करते हैं. तो देखो,
ये जो लाइन है ऊपर की, इसे हम थोड़ा सा यहाँ निकालेंगे बाहर, और इस लाइन को हम इधर निकालेंगे। जैसे होते हैं ना स्वास्तिक, इसी तरह से बनता है। इसे हम नीचे करेंगे और इसे हम ऊपर। देखो ये बन गया स्वास्तिक। इसी तरह से हम इन सबको बना देंगे बिल्कुल सेम। ऊपर वाली लाइन को राइट की तरफ टर्न करना है और नीचे को लेफ्ट की तरफ, और इसे हम नीचे और इसे ऊपर। इसी तरह से इसे करेंगे, राइट में करेंगे, नीचे वाली लेफ्ट में, इसे नीचे करेंगे और इसे ऊपर। इसी तरह से अब इसे बनाएंगे हम, राइट में करेंगे, इसे लेफ्ट में, इसे नीचे और इसे ऊपर। देखो ये क्या बन गए हमारे स्वास्तिक, जिसे हम सतिया भी कहते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा काम होता है तो उसमें हम ये सतिया बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आपकी राखी में भी ये बना दिया। अब बच्चों आपने देखा होगा कि राखी के बाहर वो धागे जैसे निकले हुए होते हैं, हम वो बनाएंगे। ओके, तो देखिए ये पेंसिल है, उसे मैं कलर से डॉट कर दूंगी। अब इसका हम क्या बना देंगे, थ्रेड। देखो थ्रेड तो आप कितना भी लंबा बना सकते हैं, इस तरह से कितना भी मोटा बना दीजिए आप। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ पर आप ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह से पहले आप ऐसे करो, फिर इसको ऐसे ऐसे पेंसिल से ऐसे ऐसे कर दो। अब देखिए पहले हम इसको आप कलर कर लेते हैं, तो चलिए हम कलर करते हैं। पहले हमारा जो फ्लावर है हम अपने फ्लावर में कलर करते हैं, बीच वाले फ्लावर में। जो छोटा है इसमें हम ये ब्लू कलर कर देते हैं। अब ये जो बाहर का आपको दिखाई दे रहा है, पहले हम ये आउटलाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब इसके अंदर आपको कलर करना है, तो हम कलर कर देते हैं, इसी से कर देते हैं। अगर नहीं है तो आप वैक्स कलर कर सकते हो। जो हमारे क्रेयॉन कलर हैं हम वो भी कर सकते हैं बच्चों। जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है आप वही कलर आप यूज़ कर लेंगे। ये हमने कर दिया। अभी जो हमारे बाहर के सर्कल हैं इनमें हम कलर करेंगे। तो हम इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करेंगे। देखिए आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, एक एक छोड़कर हम इसको कलर को कर देंगे इस तरह से। एक एक सर्कल छोड़कर आप ये ऑरेंज कलर इनमें हम फिल कर देंगे। जब यहाँ पे डबल हो जाएंगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप उसे। अब हमने जो छोड़ दिए थे एक एक सर्कल, अब हम उन्हें ये ब्लू कलर करेंगे। आप इसमें हम कोई भी कलर कर सकते हैं, दूसरा कलर कर दीजिए आप। हम ब्राउन कलर कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये स्वास्तिक बनाया हमने, अब हम इन्हें कलर सिल करेंगे। देखो मैंने ये ग्रीन कलर लिया हुआ है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे।
जैसे ये बने हुए हैं इनके ऊपर बना देंगे हम इस तरह से। इस तरह से हमने बना दिया। अब देखो ये बीच में एक वाइट वाइट हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस सर्कल को आउटलाइन करेंगे और फिर इसके अंदर कलर हम क्रेयॉन से करेंगे। चलिए इस सर्कल को हम आउटलाइन करते हैं। चलिए पिंक से ही हम कर देते हैं या किसी भी कलर से कर सकते हैं। चलिए हम ग्रीन से ही कर देते हैं। बड़े आराम से धीरे धीरे आप करेंगे। तो हमने ये सर्कल कर दिया। अब इसके हमें ये थ्रेड भी बना देते हैं साथ के साथ। थ्रेड थोड़ा बच्चों मजबूत बनाएंगे हम, जिससे कि टूटे नहीं। दोनों तरफ सेम कलर करना है क्योंकि थ्रेड तो एक जैसा ही होता है। हमने इस तरह से कर दिया। अब ये जो हमने बनाए हैं इनको हम इसे, ये ऑरेंज कलर है, इससे ऐसे से बस आप ऐसे से कर दीजिए, इसको दोनों साइड कर देंगे हम इसको इस तरह से। अब देखिए इसके बाहर की तरफ हमें, आपने देखा होगा जो लेस होती है पतले पतले धागे से निकले हुए होते हैं, तो उसी तरह से हम इससे करेंगे। तो देखिए आपको बस इस तरह से करना है आपको। चारों तरफ हमें इसी तरह से करना है। इसी तरह से होते हैं, किसी भी कलर से हम करते कर सकते हैं बच्चों। येलो से आप कर सकते हो, वाइट से कर सकते हो, हल्के हाथ से ही करना है। आप अगर डार्क करना चाहो तो आप डार्क भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए बहुत ही सुंदर राखी बनेगी आपकी। मैंने ये राखी आपके हिसाब से बनाई है, जैसे आप छोटे हो तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए बस ये बीच में हमें क्या करना है, क्रेयॉन कलर से हम इसे फिल करेंगे। देखिए मैंने ये पिंक कलर लिया है क्रेयॉन, इसे हम हल्के हाथ से बस हल्का हल्का, हमें बहुत हल्का हल्का फिल करना है बच्चों। बस ये वाइट, हमें वाइट को छुपाना है, हल्के हाथ से ही आप इसको करोगे। देखिए ये मैंने हल्के हाथ से कलर कर दिया। अब ये हमारी राखी रेडी है।
तो ये है हमारी राखी। तो आज आपने क्या बनाना सीखा? आज आपने राखी बनानी सीखी। तो इसलिए आप अपनी ड्राइंग शीट पर आप राखी ज़रूर बनाइएगा और अपने भाई को जरूर दिखाइएगा कि देखो मैंने आपके लिए राखी बनाई है, दिखाने के लिए, बांधने के लिए नहीं। बांधने के लिए तो आप मार्केट से लेकर आओगे, क्योंकि आप अभी छोटे हो, अपने हाथ से नहीं बना सकते। तो ये इस तरह से आप राखी बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। सो कैसी लगी आपको राखी? अच्छी है ना, सुंदर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।